आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। नीतीश को लोकसभा में साथ ले जाकर भाजपा ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी। रघुवर के खिलाफ नीतीश फूकेंगे बिगुल। 25 को आएंगे झारखंड, जदयू को देंगे नई ऊर्जा। दूसरी खबर, केंद्र की एडवाइजरी पर झारखंड में अलर्ट, चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद। तीसरी खबर, पंचायत समिति 5427 सदस्य गए हड़ताल पर, सरकारी योजनाएं प्रभावित। चौथी खबर, एनएमसी के विरोध में जूनियर डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार, ओपीडी ठप, इलाज बाधित। पांचवी खबर, सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। छठी खबर, सीएम ने सिद्धगौड़ा मंदिर में की पूजा अर्चना, कश्मीर मुद्दे पर बोले हम केंद्र के साथ हैं। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड में जदयू ने रघुवर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब कहीं न कहीं भाजपा को भी ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार को लोकसभा में साथ ले जाकर उसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। एक ओर तो वह भाजपा के साथ ही हैं, वहीं केंद्र सरकार के निर्णयों और नीतियों की खिलाफत भी करते हैं। एक ओर वह बिहार में एनडीए के साथ हैं, वहीं झारखंड में भाजपा के खिलाफ। भले ही बिहार में भाजपा और जदयू एक हों, पर झारखंड में अलग दृश्य है। इसमें आग में घी डालने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार 25 अगस्त को झारखंड आ रहे हैं। यहां वह जदयू को नई ऊर्जा देने के साथ ही रघुवर सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। जदयू झारखंड में अपने दमखम पर दो दो हाथ आजमाने को तैयार है। पार्टी अपने दम पर यहां के राजनीतिक मैदान में दो दो हाथ आजमाएगी। जदयू झारखंड विधानसभा चुनाव में वहां की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इतना ही नहीं, चुनावी शंखनाद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 अगस्त को झारखंड आ रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश जदयू ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड जदयू के अध्यक्ष साल खान मुर्मू कहते हैं कि राज्य की जनता नीतीश कुमार को विकल्प के रूप में देख रही है। रघुवर सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी क्रांति दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के दिन से आंदोलन की शुरुआत करेगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पुनर्गठन विधेयक पेश करने के बाद झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद राजधानी रांची समेत सभी शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सड़कों, चौक चौराहों समेत सभी संवेदनशील जगहों पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी में हाई अलर्ट के साथ ही हिंसा को रोकने के लिए पुलिस से मॉक ड्रिल चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है। कश्मीर की हलचल के बीच सुरक्षा और सतर्कता के लिए पुलिस जवानों की तैनाती महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर की गई है। राजधानी रांची के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही वाहनों की जांच भी की जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में उचित भागीदारी समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रमुख तथा उप प्रमुख समेत पंचायत समिति के 5427 सदस्य सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। कानूनन मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत समिति का अनुमोदन आवश्यक होता है। ऐसे में इनके हड़ताल पर चले जाने से सरकार के विभिन्न योजनाओं से संबद्ध कामकाज प्रभावित हो गई है। पंचायत समिति महासंघ के सचिव संजीव कुमार के अनुसार समिति का मुख्य मांगों में 3 वर्षों से अवरुद्ध विकास निधि की राशि उपलब्ध कराना तथा मनरेगा अधिनियम के तहत 60% योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत समिति के माध्यम से कराया जाना शामिल है। अन्य मांगों में पंचायत समिति सदस्य उप प्रमुख व प्रमुख को सम्मानजनक मानदेय व यात्रा भत्ता, क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रमुख व उप प्रमुख को वाहन उपलब्ध कराया जाना शामिल है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। नेशनल मेडिकल कमीशन उर्फ एनएमसी के विरोध में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने आज ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया है। इससे यहां पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। रिम्स में रोजाना राज्य भर से 1200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को जेडीए ने अपने आंदोलन से अलग रखा है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि एनएमसी बिल के जरिए उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भी जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी का बहिष्कार किया था, तब 900 मरीजों को बिना इलाज के रिम्स से लौटना पड़ा था। देश में अब तक मेडिकल शिक्षा, मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखती थी। अब अगर एनएमसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी और इसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ले लेगा।
अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। सावन की तीसरी सोमवारी पर झारखंड के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा। शिव भक्तों की भीड़ तड़के सुबह से ही मंदिरों में देखी गई। हर तरफ भोलेनाथ की जय जयकार होती रही। देवघर में बाबा पर जल चढ़ाने वालों की संख्या 2.5 लाख पार कर गई। वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर में भी 1 लाख से ज्यादा भोले भक्तों ने जलार्पण किया। बता दें कि सोमवार का दिन शिव का होता है और सावन में सोमवार का खास महत्व होता है, इसे लेकर शिवालयों में खास साज सज्जा की गई थी। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सावन की तीसरी सोमवारी को जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बरेडी से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर सिद्धगोड़ा मंदिर में जलाभिषेक किया। कई दिनों से बीमार चल रहे रघुवर दास की तबीयत अब ठीक है। वहीं कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं जिन्हें आतंकवाद से मुक्ति दिलानी जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व को सही बताया और कहा कि हम कश्मीर मुद्दे में केंद्र सरकार के साथ हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।